गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बारी। तो गाइस आज आप ठीक है और मैं भी ठीक हूं। तो गाइस आपका रमजान करीम अच्छा जा रहा होगा। गाइस रोजाना की तरह आज भी आपका मजबी खाने लेकर चुका हूं जिसका नाम है रस्माए और इस्लाम की कुर्बानी का वाकिया। तो गाइस अब मैं आपको सुनाना शुरू करता हूं रस्माए और इस्लाम की कुर्बानी का वाकिया। रस्माए और इस्लाम जो थे उसे इब्राहिम के बेटे थे, उनकी वालिदा का नाम था बीबी हाजर इस्लाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब गौस के बच्चे थे तो अल्लाह ताला को हुक्म था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि इन अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हजाज के मुकाम पर छोड़ें। तो फिर ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन दोनों को अल्लाह ताला के हुक्म से हजाज पर छोड़ें और वो दोनों हजाज के मुकाम में अकेले रह गए। तो फिर नन्ना इस्माइल पानी की वजह से रोने लगा। तो जब बीबी हाजर अलैहिस्सलाम ने कहा, जब बीबी हाजर अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं कहीं करीबी पहाड़ी पर जाती हूँ ताकि मुझे कोई पानी मिल जाए, तो अपने नन्ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने रेत पर लिटा दिया। तो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम करीबी अपनी पहाड़ी पर गई जिसका नाम था सफा मरवा। उन्होंने वहाँ पर दौड़ दौड़ के चक्कर लगा लेकिन उनको कोई पानी नहीं नजर आया। तो फिर ना जब नन्ने इस्माइल के वापस गई तो हैरान हो गई कि नन्ना इस्माइल अपने एरिया लग रहा था पानी पहाड़ पर और पानी निकल आया। जिस एक चश्मा था पानी का, जिस चश्मे का नाम था जमजम। तो फिर ना उन्होंने हाजर अलैहिस्सलाम ने खुद भी पानी पिया और अपने बच्चे को भी पानी पिलाया इस्माइल अलैहिस्सलाम को। फिर वहाँ पे एक कबीला है जिसका नाम था, वहाँ पे एक कबीला आके रुकता है जिसका नाम था बरुजरम। वहाँ पे अपने खेमे लगाए थे चश्मे के पास। और वो जब वो हैरान हो गए कि पहाड़ में से पानी कैसे निकला, हालांकि पहाड़ में से पानी नहीं निकलता। तो वो हजरत हाजर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं इसकी पूरी कहानी। तो हाजर अलैहिस्सलाम के बोलती हैं कि सारा अल्लाह ताला का मौजज़ा है जो मेरे नन्ने इस्माइल के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ना वो कबीला खुद भी पानी पीता है और वहीं पर उनको वो अच्छी जगह मिलती है तो वहीं पर अपने खेमे लगा लेते हैं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन दोनों को अपने पास घर ले आते हैं। तो उसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में सो रहे होते हैं ना, तो उन्हें ख्वाब आता है। जिस ख्वाब में अल्लाह ताला ये कह रहे होते हैं जो तुमसे तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ उसको मेरी राह में कुर्बान कर दो। तो अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को अपने बेटे को बताते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करो और सबसे पसंदीदा चीज़ तुम्हारी मैं हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुला के जंगल में ले जाते हैं, उनको पत्थर भी लिटा देते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि अबू अपनी आँख पर पट्टी बांध लें, ऐसा ना आप मुझे कुर्बान ना करें देखे और अल्लाह ताला आपसे नाराज़ हो जाए। तो उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और जैसे ही वो उन्होंने इस्माइल पर छुरी फेरने की कोशिश की तो वहाँ से एक दुम्बा आ गया, दुम्बे को ज़बह कर दिया अल्लाह ताला की राह में। हर साल हाजी उस मुकाम जिसका नाम मीना है वहाँ पर जाकर कुर्बानी देते हैं, किसकी याद में? उसे इस्माइल अलैहिस्सलाम उसे इब्राहिम की याद में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे न्यू शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा। तो गाइस कल मैं ईसा अलैहिस्सलाम भी डालूंगा। कल की वीडियो में तो अल्लाह हाफिज़।